सो हाय गाइस, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रॉटवाइलर पपीज के बारे में और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को पता लग सके कि ये ब्रीड आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं। क्योंकि काफी लोगों ने मिथ बना रखा है कि रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते, ये काफी अग्रेसिव एंड अटैकिंग होते हैं, जबकि ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि रॉटवाइलर एक गार्ड डॉग ब्रीड है और इन्हें आप लोगों को अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, तभी ये जाकर आप लोगों के अच्छे कंपेनियन डॉग बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग लैब्राडोर को भी हमेशा बांध कर रखोगे तो भाई वो डॉग्स भी अग्रेसिव हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक गार्ड डॉग ब्रीड है तो आप लोगों को उन्हें कुछ इस तरह से सोशलाइज कराना चाहिए कि जब उन्हें फ्रेंडली रहना चाहिए तो वो फ्रेंडली रहें और जब उन्हें अग्रेसिव होना चाहिए तो उसमें भी वो अपना 100% दें। और फ्रेंड्स, सोशलाइज कराने का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग उन्हें हर इंसान से इंट्रोड्यूस कराएं और उनके साथ उन्हें फ्रेंडली बनाएं। भाई एक गार्ड डॉग का ये काम होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ ही फ्रेंडली रहे, बाकी अगर कोई स्ट्रेंजर्स आता है तो उनके लिए डेफिनेटली उसे अग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप लोग एक गार्ड डॉग को परचेज करें तो उसे इसी तरह से ट्रेंड करें कि लोगों के दिल में उसके लिए थोड़ा डर भी हो। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के रॉटवाइलर में डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को पता लग गई होगी कि रॉटवाइलर एक सेफ डॉग ब्रीड है आप लोगों की फैमिलीज के लिए, पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसे किस तरह से सोशलाइज और ट्रेन करते हो। तो अगर आप लोगों को भी एक पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड एक परफेक्ट सिक्योरिटी डॉग चाहिए तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि पपीज जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी में है। तो भाई ये जितने भी पपीज हैं ये सभी की सभी फीमेल्स हैं, क्योंकि लीटर में कोई भी मेल पपी नहीं हुआ। बाकी गाइस, ये जो रॉटवाइलर पपीज हैं ये 29 डेज की हो चुकी हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है नवी मुंबई से। वैसे सभी पपीज काफी हेल्दी और एक्टिव है एंड कलर भी काफी डार्क है। वैसे पपीज की मदर की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके थे, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर है, जो की काफी शानदार क्वालिटी में है और मजल साइज भी काफी शॉर्ट है। सो गाइस, लास्ट में कुछ बातें करने से पहले ये है आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है पटेल के, सेकंड है फिने वर्मा एंड थर्ड है गौरव सावंत। सो माय डियर फ्रेंड्स, पपीज की एज और लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर बात करें डिलीवरी के बारे में तो ओनर ने इस चीज के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं। तो प्लीज इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ये सभी रॉटवाइलर पपीज फीमेल्स हैं एंड उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 10,000 पीस यानी 10,000 रुपए, बट प्राइस डिस्काउंटेबल है। आप लोग डॉग ओनर से परचेज करने से पहले बारगेनिंग भी कर सकते हो। बाकी गाइस, आप लोग हमारी रिसेंटली वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, ये वीडियोस भी काफी शानदार हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।